Hello students, welcome back to Passionata. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of our chapter, The Scholar's Mother Tongue. So, let's start with our back exercise. Reading is fun. Our first question is, who came to Akbar's court? Akbar ke darbar mein kaun aaya tha? So, our answer is, a learned pundit came to Akbar's court. एक विद्वान पढ़ा लिखा जिसको लर्नेड का क्या मतलब होता है जो जिसको बहुत ज्ञान हो पढ़ा लिखा हो समझदार ठीक है एक समझदार पंडित आया था अकबर के दरबार में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही क्लेम टू नो वो क्या जानने का दावा करता था. आंसर इज ही क्लेम्ड टू नो मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस ही कुड स्पीक देम फ्लुएंटली. वो दावा करता है कि उसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है और वो उन्हें फ्लुएंटली बोल सकता है. फ्लुएंटली का मतलब हमने डिस्कस किया था जो लय में बोल सके जिसको बोलने में कोई तकलीफ ना हो फ्लुएंटली उसे कहते हैं ठीक है. ही क्लेम टू नो मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस वो ये दावा करता है कि उसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है और वो उन्हें बहुत ही सरलता से बोल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी कि वो सभी को कैसे चैलेंज करता है. तो कैसे करता है आंसर इज ही चैलेंज्ड एवरीबॉडी टू नेम हिज मदर टंग. वो ये चैलेंज करता है कि कोई भी मेरी मदर टंग नहीं बता सकता कि क्या कोई मेरी मदर टंग बता सकता है. इस बात का वो चैलेंज करता है सभी को कि कौन करेगा देखते हैं. नेक्स्ट इज देखो हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट लेट्स टॉक. लेट्स टॉक में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है What is your mother tongue? तो what is your mother tongue? Mostly बच्चों की mother tongue हिंदी है. मेरी हिंदी है तो इसीलिए मैंने हिंदी लिखा है. Otherwise आपकी जो भी mother tongue है आप वो लिख सकते हैं ठीक है. तो this question is up to you only. Next is tell the class a joke in your mother tongue. तो आपको अपनी class को अपनी mother tongue में एक joke सुनाना है. तो ये तो आप वर्बली करेंगे इसमें कुछ भी नहीं है करने लायक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज कि क्या तुम्हें किसी भी और भाषा का ज्ञान है. डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश कि क्या तुम्हें इंग्लिश में कोई जोक आता है. टेल योर फ्रेंड्स और अगर आता है तो अपने दोस्तों को बताना है ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स लिसन. लेट्स लिसन सुनने का है देखते हैं क्या है. लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी रिपीट इट विद स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स. ओके व्हाट यू हैव टू डू इज कोई भी अपना फेवरेट एडवर्टाइजमेंट देखना है टीवी पे या रेडियो पे ठीक है. देन यू हैव टू रिपीट इट विद स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स उसमें जो भी वर्ड्स हैं उन पर स्ट्रेस देते हुए उसे रिपीट करना है एक्ट करना है ड्रॉ करना है और राइट करना है एडवर्टाइजमेंट को. सबसे पहले आपको एक्ट करना है जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा उसको प्ले करना है रीप्ले करना है दोबारा से. देन ड्रॉ इट इन योर बुक एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट और साइड में आपको स्पेस दिया हुआ है तो वहां पे आपको लिखेंगे भी ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. से अलाउड जोर से बोलना है. आस्क बास्क मास्क टास्क स्कॉलर स्कूल स्कैन स्किम. तो ये कुछ वर्ड्स हैं. फर्स्ट लाइन में के लास्ट में सभी के यूज हो रहा है ठीक है. एस के का साउंड आ रहा है और नेक्स्ट में तो मुझे कुछ कॉमन नहीं लगा. देखते हैं क्या है. वी से आई लर्न माय लेसन एक्शन वर्ड. अच्छा तो रेड क्या है एक्शन वर्ड है. हमने बोला आई लर्न माय लेसन मैंने अपना लेसन पढ़ लिया है या याद कर लिया है. तो लर्न ठीक है ना जो काम कर लिया है कुछ काम किया है जिसके बारे में बताया गया है. तो लर्न क्या क्या मतलब है कि वो एक एक्शन वर्ड है. नेक्स्ट बट ए लर्नेड पंडित केम टू द कोर्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड. अच्छा तो अब यहाँ क्या है लर्नेड लर्नेड पंडित केम टू द कोर्ट कि कोई पंडित है विद्वान पंडित है जो कि दरबार में आया है. अब लर्न तो ऊपर भी था लर्न नीचे भी है
लेकिन यहाँ क्या है, ये एक्शन वर्ड की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे ये डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, जैसे पंडित की पर्सनैलिटी या करेक्टर या उसने क्या किया, कोई उससे रिलेटेड कुछ उसको बताने वाला है ना, जो उसे और अच्छे से क्लियर कर रहा है कि वो क्या कर रहा है या उसने क्या पहना है, वो क्या हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो लर्नेड है, यानी कि विद्वान है, पढ़ा लिखा है, तो यहाँ वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। We pronounce it as learned to rhyme with created, waited. अच्छा, तो यहाँ जो learn, ed, learned है, इसको हम कैसे बोलते हैं, learn id, id. Last में ed है, लेकिन id का sound produce होता है, किसकी तरह rhyme करेंगे, created, तो id, id बोलते हैं यहाँ पे, और waited, waited तो नहीं बोलते हैं ना, waited बोलते हैं, तो id का sound produce हो रहा है, ऐसे ही learned नहीं होता, learned. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज टेक द वर्ड्स व्हिच एंड विद द साउंड आईडी। ओके, यहाँ पे आईडी का साउंड जिन वर्ड से आएगा वो हमें टिक करने हैं, से ईच वर्ड अलाउड, और सभी वर्ड्स को जोर से बोलना है। एक्सेप्टेड, इड का साउंड आया आईडी, तो आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट कंप्लीटेड, इड का साउंड आया तो टिक करेंगे। फाइंड, नहीं आया ना इड का साउंड तो यहाँ टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज अनसर्ड, अनसर्ड में भी इड का साउंड नहीं आया तो टिक नहीं करेंगे। चैलेंज्ड, इड का साउंड नहीं आया तो टिक नहीं करेंगे। लिग्ड, लिग्ड में भी इड का साउंड आ रहा है ना, तो टिक करेंगे। इरिटेटेड, इड आया ना तो टिक करेंगे। ट्राइड, इड, ठीक है, तो इसे भी मार्क करेंगे। सेलिब्रेटेड, इड का साउंड आया टिक करेंगे। फेल्ड, अड, अड आया तो यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। सरप्राइज्ड, नहीं आया तो यहाँ टिक नहीं करेंगे। और नेक्स्ट में फ्राइड, इड का साउंड आया तो टिक कर देंगे, ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग में क्या करना है, मेक अ क्लास डिक्शनरी विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से हमें कुछ वर्ड पिकअप करने हैं। Try to find suitable words for them in your mother tongue. और उन्हीं से मिलते जुलते वर्ड जो आपके मदर टंग में बोले जाते हैं उस वर्ड के लिए वो आपको पिक करने हैं। Say these words aloud, और उन वर्ड्स को अलाउडली बोलना है आपको। Then make sentences with those words in your class dictionary. और फिर आपको अपनी क्लास डिक्शनरी में उनके साथ वर्ड सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। तो वर्ड्स इन इंग्लिश, एक वर्ड दिया हुआ है कन्वर्स और सेकंड वर्ड है टिकल, तो आपको सेंटेंस बनाने और बाकी क्या आप खुद से पिक करेंगे। तो चलिए करते हैं इसे। कन्वर्स, कन्वर्स का सेंटेंस हो गया, न्यू कमर्स कन्वर्स कॉशियसली विद द ओल्ड स्टूडेंट्स। तो क्या होते हैं कन्वर्स का मतलब, अपने आप को कन्वर्ट कर लेना है ना, तो न्यू कमर्स जो नए बच्चे क्लास में आते हैं वो अपने आप को कन्वर्स कर लेते हैं। कॉशियसली का मतलब ध्यान से उनके अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं विद द ओल्ड स्टूडेंट्स, कि पुराने स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को काफी मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मैच करने की कोशिश करते हैं। टिकल का मतलब क्या होता है, मजाकिया, जिस गुदगुदाने वाला, ठीक है, जिसमें बहुत मजाकिया इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए, हंसी मजाक हो, ठीक है। द मूवी राजा हिंदुस्तानी टिकल्स योर फनी, कि आपके हंसी को और ज्यादा बढ़ा देती है राजा हिंदुस्तानी मूवी। नेक्स्ट मदर टंग, मदर टंग एक वर्ड यूज हुआ था चैप्टर में, तो माय मदर टंग इज हिंदी, आप कुछ भी बना सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब क्या होता है, शांति से, ठीक है। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू सिट क्वाइटली, कि टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि वो चुप होकर बैठे। नेक्स्ट विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बात करना। गोल गुम्बाज हैज अ विस्परिंग गैलरी, कि गोल गुम्बाज के बारे में आप सबको पता ही होगा कि उसकी एक विस्परिंग गैलेक्सी गैलरी है, मतलब कि बहुत ही धीरे धीरे बोल, कुछ हल्के स्वर में कुछ बताने वाली गैलरी है। नेक्स्ट सरप्राइज, माय सिस्टर गेव मी अ सरप्राइज गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, मेरी बहन ने मुझे बर्थडे पे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। नेक्स्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। You have to always accept the truth, कि आपको हमेशा सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। Next is difficult, mountain climbing is a difficult task, कि
माउंटेन पर चढ़ना एक मुश्किल काम है. नेक्स्ट इज राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी. ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो कि आपको ये दिखाएं कि आप खुश हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हुर्रे, हा हा, तो इससे एक्साइटमेंट शो होता है ना. तो आपको कुछ और वर्ड्स ऐड करने हैं जैसे कि वाओ, दैट्स ग्रेट, ये भी आप खुशी से यूज करते हैं, याहू, ये, वू, तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स हैं जो कि एक्साइटमेंट शो करते हैं, फनी मतलब हैप्पीनेस शो करते हैं. नेक्स्ट टिक द राइट आंसर. आपको राइट आंसर टिक करना है. फर्स्ट इज आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, मीन्स आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, इसका मतलब क्या है कि मैं अकबर के दरबार में गया, विजिट की है ना, तो इसका मतलब यही हो गया. अब हमें तीन सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें इनमें से फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वन इज यू ऑलवेज लीव देयर, कि तुम हमेशा वहीं रहते हो. नेक्स्ट इज यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, कि तुम कुछ समय के लिए वहां गए, ठीक है, वहां आए हो. या थर्ड यू वर बोर्न देयर, तीसरा है कि तुम्हारा जन्म वहीं हुआ है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है. नेक्स्ट टू इमिटेट समवन मींस टू इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, ठीक है, नकल उतारना. तो किस टू इमिटेट समवन का मतलब हुआ कि किसी की नकल उतारना. तो देखते हैं तीन सेंटेंसेस में से. फर्स्ट इज कॉपी समवन, हाँ इसका मतलब क्या है, किसी की नकल उतारना, तो सेम मीनिंग हो गया. नेक्स्ट टीज समवन, टीज का मतलब होता है किसी को छेड़ना या मजाक उड़ाना किसी का, ठीक है. और थर्ड इज मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना या गुस्सा कर देना. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है. आगे चलते हैं. लुक एंड फिल द कॉलम्स वन हैज बीन डन फॉर यू. सो फर्स्ट वन इज क्वाइट, देखो क्वाइट से बनाया क्वाइटली, ऐसे फ्लुएंट से बन जाएगा फ्लुएंटली, एंग्री से एंग्रीली, ठीक है. आपको ly का यूज करना है. तो देखिए क्वाइट क्वाइटली, फ्लुएंट फ्लुएंटली, एंग्री एंग्रीली, सैड सैडली, फियर्स फियर्सली, जेंटल जेंटली, ठीक है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड्स इन कॉलम बी. कॉलम ए और कॉलम बी के वर्ड्स को आपको क्या करना है, मैच करना है. फर्स्ट इज किंग, किंग के साथ क्या करना है, चिल्ड्रन, पेशेंट, कॉर्टियर्स, क्लाइंट्स, पैसेंजर्स, स्टूडेंट्स. ओके, देखो किंग क्या होता है, राजा, और राजा के क्या होते हैं, दरबारी, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी वर्ड नहीं है जो मैच करे किंग से, है ना. एक बार और देख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा. टीचर, टीचर से रिलेटेड हमने एक वर्ड देखा था, स्टूडेंट्स, है ना. तो अच्छा, जैसे कि टीचर के, टीचर क्या है, हेड है, उसके अंडर में कौन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं. इसी तरीके से किंग, किंग के अंडर में कौन होते हैं, कर्टियर्स, ठीक है, दरबारी. तो डॉक्टर, डॉक्टर के अंडर कौन होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट बस ड्राइवर, बस ड्राइवर के अंडर कौन आ जाएगा, पैसेंजर्स आ जाएंगे, ठीक है. लॉयर, लॉयर के अंडर कौन आएगा, क्लाइंट्स, लॉयर के क्लाइंट्स होते हैं. और मदर के कौन होते हैं, मदर के तो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है. तो एक बार देख लेते हैं इनको भी. किंग, कर्टियर्स, टीचर, स्टूडेंट्स, डॉक्टर, पेशेंट्स, बस ड्राइवर, पैसेंजर्स, लॉयर, क्लाइंट्स, मदर, चिल्ड्रंस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड, पिक अप विद व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट. अच्छा, तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम प्ले करना है और आपको कुछ भी बास्केट में से उठाना है. एड ए और एन बिफोर इट, और आपको क्या करना है, उसके आगे ए या एन में से कुछ भी यूज करना है. नाउ से द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग दिस थिंग्स, और फिर आपको सेंटेंसेस बोलने हैं इनको यूज करके. रग, रग के साथ क्या यूज करेंगे, ए या एन, अ रग, ठीक है. नेक्स्ट पिल्लो, अ पिल्लो. नेक्स्ट इज बेडशीट, अ बेडशीट. नेक्स्ट इज अलार्म क्लॉक, एन अलार्म क्लॉक, है ना. देखो ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, हमारे वोवल्स होते हैं, और वोवल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं. सिर्फ ए ई आई ओ यू नहीं देखना है, साउंड पे फोकस करना है आपको, ठीक है. अगर वोवल्स का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको यूज करना है एन,
और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको क्या यूज करना है, ए का यूज करेंगे। तो और रग, अ पिलो, अ बेडशीट, क्लियर थे यहाँ पे। अब अलार्म, अ का साउंड प्रोड्यूस हुआ तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एन अलार्म क्लॉक। नेक्स्ट वॉल क्लॉक के साथ क्या यूज करेंगे, अ वॉल क्लॉक। नेक्स्ट रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच के साथ भी क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, एप्पल, एप्पल क्या है, अ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो एन एप्पल। ऑरेंज, ऑरेंज के साथ भी क्या आ जाएगा, एन ऑरेंज, ओ ए आई ओ यू, है ना, ओ का साउंड प्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट बनाना, बनाना के साथ क्या आ जाएगा, एन बनाना, ओ सॉरी अ बनाना। नेक्स्ट आइसक्रीम, आई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो एन आइसक्रीम। नेक्स्ट बो, बो के साथ ए आ जाएगा। एरो के साथ एन एरो, अ बॉल, अ बैट, अ डॉल, ठीक है। वेस्ट कोट, वेस्ट कोट के साथ अ आ जाएगा। लॉन्ग कोट के साथ भी अ आ जाएगा। अम्ब्रेला, रेन कोट के साथ क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। और अम्ब्रेला अ, है ना, यू से स्टार्ट हुआ है, ए ई आई ओ यू, य अ का साउंड आ रहा है पर इसमें अम्ब्रेला, है ना, यू उम्ब्रेला नहीं है ये, अम्ब्रेला है पर अ का साउंड प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन अम्ब्रेला, ठीक है। आगे चलते हैं, नीना, कैन आई हैव डैश प्लीज, तो क्या हो सकता है इसमें से जो हमने वर्ड्स देखे थे, क्या मैं एक ले सकता हूँ, क्या ले सकता है, एप्पल ले सकता है, ऑरेंज ले सकता है, बनाना, है ना, तो एप्पल के साथ क्या लगेगा, एन एप्पल, तो क्या आ जाएगा, कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज, यस हियर यू आर, हाँ ले लो यहाँ रखी है। नेक्स्ट जीविका बोलती है, कैन आई हैव डैश टू, और डॉल आ सकता है इसके लिए, ठीक है, और क्या ले सकता है, या फिर पिल्लो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जो भी आपका मन हो, अलार्म क्लॉक, ठीक है, तो मैंने डॉल यूज कर लिया। कैन आई हैव एन डॉल आएगा या अ डॉल आएगा, अ डॉल आएगा, है ना, एन नहीं आएगा क्योंकि वो वॉवल्स के ही साथ यूज होगा एन का, ठीक है। कैन आई हैव अ डॉल टू, निखिल, नो सॉरी यू कांट हैव दैट, कि तुम्हें नहीं मिल सकती, ठीक है। मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट, बास्केट में से और सेंटेंसेस पिक करने हैं और उनके आगे आपको क्या लगाना है, उनका सेंटेंस बनाना है, ठीक है। लेट शेयर, हाउ डिड बिरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग, कि बिरबल को कैसे पंडित की मदर टंग का पता लगा, तो कैसे पता लगा था, वो उसके रूम में गया था रात के टाइम, ठीक है, और उसके कान में क्या किया था, टिकलिंग की थी, सो दैट वो कुछ बोले, और जब कोई बहुत कॉन्शियस होता है तब सोच के बोल सकता है, लेकिन जब कोई अनकॉन्शियस है, जब उसका माइंड इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा एकदम से क्विक एक्शन कुछ लेना होता है, तो हम अपनी मदर टंग का ही यूज़ करते हैं, तो इसीलिए वो अपनी मदर टंग में बोलता है और बिरबल को पता लग जाता है। नेक्स्ट, एक्ट दिस आउट विद योर फ्रेंड्स एंड मेक इट इनटू अ क्लास प्ले, तो आपको क्या करना है, एक्ट करना है यही स्टोरी जो हमने पढ़ी है अकबर बिरबल की, वो स्टोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, एक्ट क्रिएट करना है और अपने क्लास में प्ले करना है। द ट्रुथ बलून, तो ये आप खुद से करेंगे, कुछ खास नहीं है, ये आप जंबल वर्ड्स हैं, यहाँ पे आपको कुछ वो दिए हुए हैं, क्रॉसवर्ड फन दिया हुआ है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, लेट सी इफ यू नो व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट्स इन द क्रॉसवर्ड्स पजल स्पीक, तो यहाँ आपको हिंट दिए हुए हैं और आपको ये वर्ड के हिंट लेके क्या करना है, इनको फिलअप करना है पजल को, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे, जैसे ताजमहल का यूज करेंगे, यहाँ देखो क्या आ जाएगा, क्या हिंट मिला है ताजमहल से रिलेटेड, ठीक है, ऐसे ही आपको फिल करने हैं सारे, ठीक है। तो आई होप आप कर लेंगे ये खुद से। तो हमारा यूनिट 6 आज कंप्लीट हो गया, कल हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।